हम सब समाज फरमाएं तो कितनी तब्दीली पैदा हो जाएगी। मैं एक सेमिनार में गया हुआ था, शादाब कॉलोनी काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अहले सुन्नत ने वो सेमिनार किया था। आप सबकी मोहब्बतों का बेइंतहा हम सब मशकूर हैं। अक्सर हम वालिद से कहा करते थे, अपने वालिद मरहूम से, कि आप अपने को बिल्कुल कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दे रहे हैं, अपनी सेहत का भी आपको ख्याल नहीं है और अपने आराम का भी ख्याल नहीं है, तो वो मुस्कुरा देते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, बस मुस्कुरा देते थे। लेकिन आप सबकी मोहब्बतें देखकर, आप सबकी अकीदत देखकर, आप सबका प्यार देखकर, अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने वो जुमले क्यों कहे थे। अगर उन्होंने आपकी खिदमत की तो आपने भी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, आपने भी जो उनसे लगाव है, जो उनसे अकीदत है, उसका इजहार कर दिया। रोशनी हॉस्टल के जितने स्टूडेंट्स, वही कुछ यादगार लम्हात जहन में आ रहे हैं कि यहाँ रहा करते थे, एक अच्छा सा माहौल था, इल्मी माहौल था, लेकिन माशाल्लाह आप सब यहाँ से निकल कर अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप तमाम भाइयों का, मुझसे बड़े हों या मुझसे छोटे हों या मेरे बुज़ुर्ग हों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह उनके इस मिशन को जारी रखना है, इस मिशन को बाकी रखना है। और आप देख रहे हैं कि अगर इंसान मुनकसिर मिजाज होता है, अगर इंसान झुक कर मिलता है, अगर इंसान दूसरों की खिदमत करता है, तो वो दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका गम बाकी रहता है, उसकी याद बाकी रहती है। वो ज़िंदगी भर लोगों से झुक कर मिले। जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ जलसा था अभी शादाब कॉलोनी में, वहाँ भी यही उनकी सादगी, खिदमत तो उनकी है ही, वो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी सादगी के अकेले चले जा रहे हैं, सबसे झुक कर मिल रहे हैं, कोई बीमार हुआ तो इयादत के लिए पहुंच जा रहे हैं, बिल्कुल लो प्रोफाइल अपने को बना लिया। तो ये सब बातें दिलों पर असर करती हैं। आवाम जो हैं वो उलमा को सादा ज़िंदगी बसर करते हुए देखना चाहते हैं। ये जो आजकल ट्रेंड हो गया है हाई फाई लाइफ स्टाइल का, ये आवाम चाहे मुंह पर ना कहें लेकिन वो पसंद नहीं करते। मैंने तो अपने चचा को देखा है, उनकी भी खबर वही है, कलबे हाफिज़ साहब मरहूम, कितनी सादगी पसंद उनकी ज़िंदगी थी। सैयदुल उलमा ताबा सरा, कितनी बड़ी शख्सियत और कितनी सादा ज़िंदगी थी। खुद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ताबा सरा, उनकी ज़िंदगी कितनी सादा थी। आयतुल्ला सिस्तानी की ज़िंदगी कितनी सादा है, आयतुल्ला खामेनाई की ज़िंदगी कितनी सादा है। तो जो हकीकी आलिम होता है वो कभी शो ऑफ में नहीं पलता, वो हमेशा सादगी, यानी उसकी रविश होती है, उसकी सीरत होती है। तो वो आवाम सादगी को पसंद करते हैं, चाहे वो ज़बान से ना कहें लेकिन सब महसूस करते हैं। और इज़्ज़त उसी की होती है कि जो दूसरों को इज़्ज़त देता है। अगर कोई गुरूर और तकबर में पड़ा रहे इल्म होने के बाद, तो कोई उसकी इज़्ज़त नहीं करता। दरख्त जितना ज़्यादा, जिसमें दरख्त में जितने ज़्यादा फल होंगे वो उतना ही झुका हुआ होगा, और जो दरख्त सीधा खड़ा रहे तो वो कौन सा दरख्त है आप बेहतर जानते हैं। तो सादगी, इनकसारी, अखलाक, झुक कर मिलना, खिदमत करना, बस वक्त ज़्यादा हो गया है। अभी मैं उनका एक टेप सुन रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि दौलत तो बहुत लोग कमा लेते हैं, कुर्सी पर सत्ता की तो बहुत लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ना दौलत वालों को इज्जत मिलती है, ना सत्ता पर बैठे लोगों को इज्जत मिलती है। दिल से वो ज़ाहिरन तो देख कर लोग इज्जत देते हैं, अगर तुमको इज्जत चाहिए है तो खिदमत करना पड़ेगी, अगर तुमको इज्जत चाहिए है तो तुम्हें इंसानियत की खिदमत करना पड़ेगी। तो आप देख लिए कि माशाल्लाह कैसा उनका गम मनाया जा रहा है दुनिया भर में,
और कल मुझे बहुत खुशी हुई कि अमेरिका में एक जूम मीटिंग थी जिसमें कुछ वो लोग शरीक हुए कि जो TMT की मदद से पढ़कर आज माशाल्लाह यूरोप अमेरिका में अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन उनको भी क्रेडिट जाता है, बहुत से TMT से पढ़े हुए लोग ऐसे हैं कि आज भूल गए TMT को, लेकिन अब भी कुछ बाज़र्फ ऐसे हैं, आला ज़र्फ ऐसे हैं कि जो TMT को याद भी रखें और TMT की मदद भी कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं, अखलाकी तौर पर भी, मॉरल मैदान में भी और उसकी रहनुमाई करके भी। तो आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मजलिस माशाल्लाह बेहतरीन मजलिस, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।